दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन के खत्म होने के कयास लगातार जारी हैं। सरकार ने अपनी तरफ से बैक चैनल टॉक्स जारी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी किसान संगठनों और किसान नेताओं की कुछ मांगे हैं जो पेंडिंग है, और शायद ऐसा लग रहा है कि जब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है या उस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। हमारे साथ हैं हरमीत सिंह कादियां, किसान नेता हैं। कादियां साहब, ये बताइए कि जब 3 कृषि कानून वापस हो गए, उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे शायद आंदोलन अब वापस हो जाएगा, लेकिन ये जो डेडलॉक है, एक ऐसी रेलगाड़ी की तरह बन गया है जब वो स्पीड पकड़ लेती है कभी और फिर रुक जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? जो मेन हमारे 8 मांगे थी उसको लेकर ये आंदोलन लगाया गया था, और उसके जो पहल के आधार पर मांगे थी वो 3 कृषि कानून थे, वो अपील हो चुके हैं, आज रात को तो वो राष्ट्रपति से साइन भी अपील भी हो चुकी है। तो बाकी मांगों में वो पराली वाला था, जो पोल्यूशन का एक्ट था उसमें से फार्मर्स को आउट किया गया है, और बिजली जो बिल था उसमें से फार्मर्स को आउट किया गया। 5 मांगे हमारी मान चुके हैं। उसके बाद जब आंदोलन चल रहा था, ये 1 साल से चल रहा है आंदोलन, 26 जनवरी से नवंबर से हम यहाँ आए हैं, उसके पहले 2 महीने पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये लंबा आंदोलन होने के बाद, 14 महीने से ऊपर भी ये आंदोलन होने के बाद, यहाँ में 700 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, उनके जो उनको पूर्ण तौर पर उनको उनके जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, जाकर नौकरी दी जाए, वो एक मांग है। दूसरा, जब लंबा आंदोलन हो गया तो अलग अलग जगह पे, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में या यूटी में, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में काफ़ी केसेस हैं जो डिस्कस करने के लिए है। कोई भी आंदोलन होता है, जब आंदोलन ख़त्म हो जाता है, जो आंदोलन पॉजिटिव भी ख़त्म हो जाता है, तो वो केसेस वापस लेने होते हैं। वो सरकार को हमने खुली चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री के नाम पर, उस पर कार्रवाई की जाए, वो अभी कार्रवाई कंप्लीट नहीं हुई, एक तो वो रह गया। और तीसरा, हमारी मुख्य मांग थी MSP पर कानून बने और सारे भारत में वो MSP पर परचेज हो, तो उस पर सरकार ने कुछ कमेटी बनाने की तो बात की है, पर अभी तक वो बातचीत शुरू नहीं हो सकी सरकार से, ना उन्होंने कोई फॉर्मल कोई यहाँ भेजा लेटर भी, हाँ आप मेंबर दो, प्रेस के दौरान ही हमें मालूम लग रहा है वो फॉर्मली कह रहे हैं हम कमेटी बना रहे हैं, जो 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने एंड में 4 मिनट में बताया, 19 मिनट की स्पीच में एंड में 4 मिनट बनाया, उन्होंने 0 फार्मिंग और कुछ फार्मिंग की MSP पर कमेटी की बात की थी। तो उसके बाद वो कमेटी की फॉर्मेशन कैसी होगी, फॉर्मेशन उसमें मेंबर कितने होंगे, क्या हमारे SKM के मेंबर लिए जाएंगे, क्या कितने टाइम की होगी या कितने टाइम में उसका रिजल्ट देना है, ये सभी बातें अभी पेंडिंग। ये कहा जा सकता है कि ये 3 मुद्दे जो हैं ये नॉन, मतलब इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, कमिटी, कंपनसेशन और केसेस? देखो, कोई भी मुद्दा होता है उसके डिस्कशन करने के बाद ही वो होता है, कोई भी फैसला यहाँ लिया जाता है तो SKM लेती है, लास्ट फैसला SKM का होता है। 32 जथेबंदियाँ ने अपनी बात बता दी थी भी हम आंदोलन जीत चुके हैं, उसके बाद ऐसी जो कंपनसेशन की है जहाँ वो MSP की है या केस वापसी की है, वो सभी हम एक दूसरे से तालमेल में हैं, हरियाणा, पंजाब, UP और सभी वो बात अपनी रख कर खुली चिट्ठी में लिखा हुआ है, वो बात पूरी कराने के लिए सरकार को प्रेशर भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, अभी जब तक आंदोलन हल नहीं होगा जब तक ये 3 मांगे माने नहीं जाते। 5 नामों को की मांग की गई थी सरकार की तरफ से बैक चैनल टॉक्स के दौरान, क्या उन 5 नामों पर कोई आम सहमति बन पाई है अभी तक? नहीं, सहमति हमारी हर बात में रहती है, SKM जब 32 जथेबंदी जब मीटिंग करती है वो भी सहमत आकर आती है, 1 साल से हम जब भी मीटिंग करते हैं डिस्कशन होती है, अलग अलग पहलू पे होती है, पर सहमति पर चर्चा हो रही है सर, अभी नामों पर चर्चा हो जाएगी, पर कमेटी के मेंबर पहले गवर्नमेंट मांग ले, वो बताए भी कौन से चैनल के थ्रू वो यहाँ बताएंगे, वो कमेटी ले आएंगे, मीटिंग होगी हमारी, मीटिंग के बीच फैसला हो जाएगा, ये फैसला कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या पंजाब के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम सामने आया है 5 लोगों में? वो आ जाता है, डिस्कशन हो जाती है, वो नाम आ रहे हैं जो प्रोमिनेंट लीडर है वही दिए जाएंगे, जो कैपेबल है, जो MSP पर काम कर सकते हैं वो आएंगे, बढ़िया जाप से आएंगे, UP से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, महाराष्ट्र, मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, जो भी कैपेबल होगा, क्योंकि वो फुली पावर नहीं होगा, वो एक मेंबर भेजेंगे हम अपनी बात करने के, फुली पावर उसके रिजल्ट लेने के लिए SKM ही होगी। तो आप कह रहे हैं आंदोलन के बाद भी SKM अपने स्ट्रक्चर में, फॉर्मेशन और मैकेनिज्म में बना रहेगा? बिल्कुल, SKM फॉर्मेशन हो चुकी है, हमारी अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, जहाँ भी कहीं भी स्टेट्स में एक दूसरे इंट्रैक्शन होगी, कहीं भी
कोई स्टेट सिस्टम में खराबी लगती है तो वहाँ जाकर एसकेएम की अलग अलग जथेबंदियाँ जितने इंक्लूड है वो संघर्ष लड़ने के लिए तैयार बर तैयार रहेंगी। जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आंदोलन जिस रूप में जा रहा है अब ये भी कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन शुरू हो गए और ये स्पेकुलेशन इसलिए ट्रिगर हुए हैं कि कुछ किसान नेताओं ने बयान भी दिए हैं वैसे कि क्या पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होने वाला है किसान संगठनों का पंजाब इलेक्शन के अंदर। कुछ जो लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमने जो जीत जिस मांग के लिए हम आए थे वो विक्ट्री हो गई है, अब हमें चुनाव लड़ना है, वापस जाना चाहिए। देखो, आज हम 2 तारीख में खड़े हैं, अभी हमारा कोई यहाँ आंदोलन में कोई फैसला नहीं हुआ, काफ़ी जीत हो चुकी है, जीत के पास है ये कह सकते हैं, बहुत जीत के पास है। पर ऐसी कोई बात ना कभी 32 चतुर्थ में आई, ना कभी SKM में आई, ये बाहर मीडिया में फैलाई हुई एक भावनामा है। ये प्रेशर ग्रुप आया था, प्रेशर ग्रुप यहाँ काम कर रहा है, यहाँ से बहुत जथेबंदियाँ हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं, कम्युनिस्ट जथेबंदियाँ वो पॉलिटिकल तौर पर इन्वॉल्व हैं, वो लड़ सकती हैं, वो तो अपने अपने लोग। मिनिमम प्रोग्राम में हम यहाँ आए थे, मिनिमम प्रोग्राम के लिए आगे भी हम SKM में लड़ते रहेंगे। ठीक है, और क्या ये माना जाए 4 तारीख की मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कुछ अहम अनाउंसमेंट हो सकता है? बिल्कुल, 4 में हमें वेट एंड वॉच की पोजीशन है हमारी, तो सरकार की तरफ से आज का दिन भी है, केस वापस लेने को हमने बता रखा है भी केस वापस लिए जाएं, जहां कमेटी के बारे में हम डिस्कशन किए है वो मेजर कोई जो मुआवजे की बात है वो है, जिसमें भी पहलू में सरकार रहेगी वो 4 तारीख को फैसला SKM लेगा। ठीक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कादियां साहब जो किसान नेता हैं पंजाब के, वो कह रहे हैं कि कमिटी बनाई जाए MSP पे, जो केसेस हैं उसका विड्रॉल हो और कॉम्पनसेशन पे क्लैरिटी आ जाए, यानी कि कमिटी, कॉम्पनसेशन और केसेस, ये 3 अहम मुद्दे हैं जो इस वक्त पेंडिंग पड़ा हुआ है, और अगर इन पे कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता है किसान संगठनों को तो 4 तारीख को कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मन के साथ मैं अमित भारद्वाज, सिंघू बॉर्डर आज तक।